नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव अब करीब हैं और लगातार पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन इस बीच जो है कमलनाथ, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि करीब 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है और पूरे प्रदेश को यहाँ पर कर्ज में डुबा दिया है। जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं कि विकास हो रहा है और महिलाओं को और बच्चों को जो है सही पोषण और सही सुविधाएं दी जा रही हैं, जहाँ युवाओं की बात शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आते हैं, वहीं इन इतने बड़े करोड़ों के कर्ज में यहाँ शिवराज सिंह की सरकार फंसती हुई नजर आती है। जिसके ऊपर जो है कमलनाथ ने बड़ा तंज कसा है कि अपने आप की वाहवाही करने वाले जरा अपने अग्रवान में झांके कि आखिर वो किस तरह कर्ज के तले दबे हुए हैं और ये सारा कर्ज जो है कहीं ना कहीं ये प्रदेश के ऊपर मंडकर जो है इस पूरे प्रदेश सर भाग जाएंगे, क्योंकि जो है चुनाव होने वाले हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। प्रियंका गांधी ने अपनी यहाँ रैली करी और जल्द ही कन्हैया कुमार को कोई नई जिम्मेदारी देकर भेजने का ऐलान हो सकता है। और लगातार राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश की राजनीति पर नजर रख रहे हैं। उस बीच सोनिया और खड़गे भी लगातार मध्य प्रदेश की सारी रिपोर्ट कांग्रेस नेताओं से मांग रहे हैं और देखा जा रहा है कि लगातार शिवराज सरकार को घेरने का काम चल रहा है। और यहां पर देखें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं कमजोर अब नजर आ रही है, क्योंकि सिंधिया और शिवराज के बीच यहाँ पे पूरा पेच फंस रहा है कि आखिर CM कौन होगा। और इसी बीच जो है इतने बड़े स्कैम और घोटाले की खबर सामने आती है, जिसका खुलासा खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ करते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी तो सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी और जिस विकास का वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जिसमें वो फेल हुए थे, वो सारे वादे कांग्रेस यहां पूरा करके दिखाएगी। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की रही और जैसा समर्थन उनको मिला है, और उसके बाद जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आई और उनको समर्थन मिला, तो ऐसा देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए सभी राज्यों में हवा बदलती हुई आ रही है। और इससे पहले कर्नाटक का रण जो है कांग्रेस ने पूरे बहुमत से जीता था और अब मध्य प्रदेश की बारी है, जहां पर लगातार वो शिवराज CM के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता का समर्थन बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। अतिथि मेजबान की बात हो, अतिथि शिक्षक की बात हो, इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है पिछले 12 महीने। सर एक सवाल, एक मिनट खत्म कर लूं। इस 3,30,000 करोड़ का किया क्या? क्या हमारे संविदा वालों को फायदा हुआ? क्या हमारे अतिथि विद्वान अतिथि शिशु को फायदा हुआ? क्या हमें आशा उषा कार्यकर्ता को फायदा हुआ? क्या हमारे बेरोजगारों को फायदा हुआ? इन्होंने 3,30,000 करोड़ का क्या उपयोग किया? बड़े बड़े ठेके दिए, ये मैं नहीं कह रहा, आप ठेका देते हैं तो रिकॉर्ड की बात होती है, बड़े बड़े ठेके दिए और उसमें जो ये एडवांस देते हैं इससे अपनी कमीशन निकाल लेते हैं, योजना जाए बाढ़ में, ये है इनके 3,30,000 करोड़ रुपए का फायदा खुद के लिए। देखिए ये कितने पोस्टर लगा रहे हैं। मेरा राजनीतिक जीवन बिल्कुल साफ है, आज तक किसी ने मुझ पर कोई नहीं उठाई। अब ये कमलनाथ के बारे में कुछ कह नहीं सकते तो इन्होंने ये पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, पर मेरा राजनीतिक जीवन में प्रदेश में एक व्यक्ति और आपकी इसी तरह मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। बीजेपी आदिवासियों को गुमराह करना चाहती है। बीजेपी ने हमेशा, उनकी सोच में हमेशा आदिवासी का शोषण था। जितने कानून बने, जितने नियम बने, पैसा इनको 18 साल क्यों लगे पैसा की शुरुआत करने में, नियम बनाने में, और इसमें भी भर्ती में घोटाला, इनके लिए हर चीज माध्यम बन जाता है घोटाले के लिए। और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।